हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 मिनट में बनने वाला रिफ्रेशमेंट वाला बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी, जो गर्मी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले हम एक मिक्सर जार के अंदर 1 कप यहाँ पे अंगूर ऐड करेंगे। फ्रेश वाले अंगूर लिए हैं, जो ग्रीन वाले आते हैं वो लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है भुना हुआ जीरा पाउडर, जो मैंने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच काला नमक को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। उसके बाद अभी हमें ऐड करना है 2 चम्मच यहाँ पे चीनी। उसके बाद अभी ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पहले हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे जो ब्लेंड हो चुका है, अभी हमें एक छन्नी ले लेनी है। छन्नी के अंदर उसको छान लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छे से उसको अभी छान लेना है, ताकि जो अंगूर के टुकड़े हैं छोटे वाले रह गए हो तो अच्छे से छन जाए और हमारा जो शरबत है बहुत ही अच्छे से स्मूथ टेक्सचर वाला बन के तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे शरबत जो है मैंने छान लिया है। अभी हम फिर से 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। आप इससे 3 ग्लास पानी शरबत बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। गार्निश करना है तो उसके लिए मैंने ग्लास लिया है। अभी 1 प्लेट में मैंने नमक और हरी जो लाल मिर्च आती है उसको मिक्स करके नींबू का रस लगा के इस तरीके से हम ग्लास के ऊपर हमें गार्निश करना है, ताकि जब आप शरबत पियेंगे तो उसका जो फ्लेवर है बहुत ही टैंगी और चटपटा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से उसको लगा दिया है। तो ये हमारा ग्लास सर्व हो चुका है। तो चलिए अभी हम उसके अंदर शरबत को भी ऐड करेंगे। उससे पहले हमें ठंडा करने के लिए थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े ऐड करेंगे। आपको कप ठंडा पसंद है तो आप कम बर्फ़ के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे कटी हुई अंगूर। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच कटी हुई अंगूर दोनों ग्लास में ऐड कर दी है। उसके बाद हम थोड़े से पुदीना के पत्ते ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा शरबत है बहुत ही रिफ्रेश लगे। तो यहाँ पे मैंने 2-2 पुदीना के जो पत्ते हैं वो मैंने हाथ से ही तोड़ के ऐड कर दिए हैं। तो अभी शरबत को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके अंदर अभी हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं शरबत को ऐड कर दूंगी। आप देखेंगे बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, पीने में बहुत ही डिलीशियस है, टैंगी लगता है। तो आप भी गर्मी के मौसम में ये शरबत जरूर बनाएं, बहुत ही हेल्दी है और रिफ्रेश कर देने वाला है, और 2 मिनट में तो बन ही जाता है। तो जब भी कोई गेस्ट आए तो आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।